तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम, जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए हमें। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में बताया भी है कि हमें इस सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए या इस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सर प्रोवाइड करिए। तो मैंने फाइनली सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो कमेंट किए थे मैंने रीड कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को डेली डेली एक एक सब्जेक्ट का करके मॉडल क्वेश्चन और मॉडल पेपर आप तक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को एग्जाम में ताकि हेल्प मिल सके। तो आज किस वीडियो में फाइनली बात करने वाले हैं, बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये क्वेश्चन अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी संबंधित है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको भी किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मॉडल पेपर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, डेली डेली में आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र मॉडल क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आप लोग अगर आई होप ये क्वेश्चन सारे देखेंगे लास्ट तक, क्वेश्चन समझेंगे तो आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा कि राज्य को परिवार का विस्तृत रूप किस दार्शनिक ने माना है। एक ऑप्शन है सुकरात, बी नंबर है सर हेनरी मैन, और सी नंबर है इक्विन नास, और डी नंबर है आरस्तु। आप सभी को मालूम है कि बीए फर्स्ट ईयर में जो रूल्स है वो मल्टीपल क्वेश्चन का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें चार ऑप्शन होते हैं, एक राइट होता है, उसे आप लोगों को ओमार सीट में फिल करना होता है। फिर आप कभी कोई कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें ये रूल्स नहीं है तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा हमें कमेंट में कि हमारे यूनिवर्सिटी में ये रूल्स नहीं है, हमारे में क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो हम उनके लिए भी क्वेश्चन सर्च करके आप तक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर आरस्तु, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आरस्तु। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सीमित राजतंत्र का समर्थन किसने किया। ऑप्शन नंबर एक है रूसो, बी नंबर है हाब्स, सी नंबर जान लॉक, और डी नंबर लास्की। तो जो सीमित राजतंत्र का समर्थन किसने किया था उसका जो नाम है हम आपको बता दें, राइट आंसर उसका हो जाएगा हाब्स ने किया था, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे वो जरूर आप बेसक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जिसमें आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाब्स किस देश का दार्शनिक था। नंबर एक है पोलैंड, और बी नंबर इंग्लैंड, सी नंबर साउथ अफ्रीका, डी नंबर अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंग्लैंड, बी नंबर। अगला क्वेश्चन ये कि धन की उचित वितरण किस प्रकार की समानता है। नंबर एक प्राकृतिक समानता, बी नंबर आर्थिक समानता, सी नंबर राजनीतिक समानता, और डी नंबर है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक समानता, ठीक है, बी नंबर। धन की उचित वितरण किस प्रकार की समानता है, आर्थिक समानता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संस्कार के कीटाणु किसमें दिखलाई देते हैं। नंबर एक है देश में, राज्य में, परिवार में, समाज में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर परिवार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ तैयार कर ली और क्वेश्चन का आंसर भी हाईलाइट करके मैंने रख दिया है, पूरी पीडीएफ तैयार है। अगर आपको वो पूरे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग को मैं लास्ट में बता दूंगा कि वो सारे क्वेश्चन आप कहाँ से रिसीव कर सकते हैं पूरी पीडीएफ सहित, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के निर्माण में सहायक तत्व है। नंबर एक रक्त संबंध, बी नंबर शक्ति, सी नंबर सामाजिक प्रवृत्ति, और डी नंबर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। नंबर एक है 1980 में, और बी नंबर 1965 में, और सी नंबर है 1915 में, और डी नंबर है 1949 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1949 में, यानी कि 1949 में। अगला क्वेश्चन है कि पेल्टो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है। नंबर एक साम्यवाद, बी नंबर वन न्याय, ठीक है, वन न्याय, सी नंबर आदर्श राज, और डी नंबर है शिक्षा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, साम्यवाद। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। नंबर एक ग्रीन, बी नंबर कांट, सी नंबर हेगल, और डी नंबर इनमें से सभी नहीं। इनमें से सभी, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ग्रीन, कांट, हेगल, ये सभी आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं 48, 45, 42 और 44। तो क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा 45। ये जनरली क्वेश्चन आपको ऐसे भी ये रिमेम्बर, यानी कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 45। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने समाज को कितने भागों में बांटा है? थोड़ा टाइप करने में यहाँ मिस हो गया, समझ लिख गया है, तो आप समाज वो वहाँ पर था, ठीक है? सॉरी, ये कहाँ चला गया भाई, एक मिनट, ये ठीक है, समाज। प्लेटो ने समाज को कितने भागों में बांटा? नंबर 1 5, बी नंबर 3 और सी नंबर 8 और डी नंबर 4। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, ठीक है, 3 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि निम्न में से स्वतंत्रता का स्वरूप, निम्न में से स्वतंत्रता का रूप है? नंबर 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी नंबर नागरिक स्वतंत्रता और सी नंबर प्राकृतिक स्वतंत्रता और डी नंबर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न में से जो स्वतंत्रता का रूप है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी, नागरिक है, प्राकृतिक भी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 है भारत में, बी नंबर चीन में, सी नंबर फ्रांस में और डी नंबर इंग्लैंड में। तो रूसो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था फ्रांस में, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण में केंद्र बिंदु है? नंबर 1 समूह, व्यक्ति, सरकार और समाज। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण में जो केंद्र बिंदु है वो है समाज, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? ठीक है, मैक आइवर और बी नंबर मैक्सी, सी नंबर ग्रीन और डी नंबर लास्की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक आइवर, ठीक है, द मॉडर्न स्टेट के लेखक जो हैं वो हैं मैक आइवर, राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वैसे भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं, एग्जाम भी आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी आई होप, ठीक है, और आप लोग तैयारी भी करिए जोर तोर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना कब बढ़ी? नंबर 1 है 1780 और बी नंबर है 1809 और डी नंबर सी नंबर है 1890 और डी नंबर 1789। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में राष्ट्रीयता की जो भावना बढ़ी थी वो 1789 में बढ़ी थी, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य की सबसे उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? नंबर 1 रूसो ने, बी नंबर विल्सन ने, सी नंबर डॉक्टर गर्नर ने और डी नंबर लास्की ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर गार्नर ने दी है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? नंबर 1 है 1650 में, बी नंबर 1701 में और सी नंबर 1651 में और डी नंबर 1688 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है, याद रखना आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख जादूगर से राजा बनना आसान है, ये कथन किसका है? नंबर 1 है गोटेल का, बी नंबर रूसो का, सी नंबर मैकाइवर का और डी नंबर है गिलक्राइस्ट का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलक्राइस्ट का, ठीक है, डी नंबर। प्रमुख जादूगर से राजा बनना आसान है, ये कथन गिलक्राइस्ट का है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नंबर 1 है फ्रीमैन ने, बी नंबर लास्की ने, सी नंबर मैकिया वेली ने और डी नंबर है स्पेंसर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य, आप लोग मालूम कि राज्य शब्द का सबसे पहले यूज या उपयोग किसने सबसे पहले इसका नाम लिया था, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मैकिया वैली, ठीक है, मैकिया वैली राज्य शब्द का सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था वो मैकाई वैली ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये कथन है? नंबर 1 लास्की, सीले, बो सांके और डी नंबर है कोल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सीले, ठीक है, बी नंबर। स्वतंत्रता का अति शासन का विलोम ये कथन का कहे थे जिनका नाम है सीले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत ईश्वर विश्वास करता है, ठीक है? तो नंबर 1 है मार्क्सवादी सिद्धांत, बी नंबर है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और सी नंबर विकासवादी सिद्धांत, डी नंबर इनमें से सभी।
तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत ईश्वर पर विश्वास करता है वो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दैव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये कुछ नहीं है ठीक है, यहाँ पर ईश्वर पर विश्वास ठीक है करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य की प्रारंभिक इकाई है, नंबर एक है समाज, बी नंबर परिवार, सी नंबर कुटुंब और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राज्य की प्रारंभिक इकाई है वो आपकी परिवार है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राज्य का अनिवार्य तत्व तो नहीं है, नंबर एक है संप्रभुता और बी नंबर सरकार और सी नंबर सुरक्षा डी नंबर जनसंख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इनमें से राज्य का अनिवार्य तत्व तो जो नहीं है वो है सुरक्षा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य का उद्देश्य है, नंबर एक सामाजिक सेवा, बी नंबर सार्वजनिक सुख, सी नंबर व्यवस्था बनाए रखना, डी नंबर है इनमें से सभी। तो जो राज्य का उद्देश्य है वो है सामाजिक सेवा भी, सार्वजनिक सुख भी और व्यवस्था बनाए रखना भी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, हम और भी क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करेंगे और डेली डेली भाई आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट का चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, और मैं आपको बता दूँ ये सारे क्वेश्चन का PDF जो तैयार है आंसर है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं ये डाल दूंगा तो वो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।